अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अब हम दिन वही है, लेकिन हम व्लॉग जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे। बैगेज जो है वो एयरपोर्ट पे बुक करवाया, और एयरपोर्ट पे जगह थी, हमने वहीं पे करवा दिया स्टोर। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए लाहौर फूड। एहसन जो है वो अपनी सिम लिया है यहाँ से एयरपोर्ट से, तो वो मोबाइल में डाली है अभी, क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं चल रहा था। ऐसा ने रोमिंग नहीं ऑन करवाई भी, तो वो हमें यहाँ पे जो है आपको लाजमी जो है वो डाटा लाजमी चाहिए होता है इधर उधर ऑनलाइन चेक करने के लिए, लोकेशन वगैरह सब कुछ, तो वो भी करवाई है। और इज़ा को हमने स्टॉलर में बिठाया हुआ है, और ये है ट्रेन, एयरपोर्ट से ही हम बैठे हैं। और ये बार देखें, अभी हम पहुँच गए हैं। इस ट्रेन में हम आए थे, जो बैग पे आपको नज़र आ रही है। और अभी जो है अभी हम जाते हैं खाना खाने की तरफ। ये डाउनटाउन में आ गए हम, ये अभी चलना पड़ेगा आगे थोड़ा सा, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता। सजेस्ट मैं साथ साथ जो है वो ऐसन से पूछ रही हूँ, ऐसन जो है वो मैप से पूछ रहे हैं गूगल मैप से। तो मैं एक खास स्टॉलर चला रही हूँ, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जैकेट वाला मौसम तो नहीं है वैसे, मैंने वैसे ही जैकेट पहन लिया, इज़ा कोई पहना दी है। तो ये ट्रेन आप देख सकते हैं, ये नीचे भी है और ऊपर भी है, इसके दो पोर्शन हैं। और अंदर इवन के ट्रेन में जो है वो वॉशरूम भी बने हुए हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम है अंदर ट्रेन का। और सीट्स इतनी कम्फर्टेबल हैं, इतनी मैंने जो है वो किसी एरोप्लेन में नहीं देखी। तो ये बटन दबाते हैं और वो दरवाज़ा खुल जाता है। अभी हम यहाँ से ट्रेन से उतरे हैं, अभी हमने बैठना है ट्रेन में। ट्रेन में बैठ के हम जाएंगे डाउनटाउन, और वहाँ से फिर हमने आगे, आपको पता ही है हमने क्या करना है। सबसे पहले खाना खाना है, ताकि फिर हमारे अंदर कुछ एनर्जी आएगी तो हम कुछ चलेंगे ना। तो अभी सिर्फ हमारे पास ये बैगेज है, छोटा सा बैग है ये, बाकी हमने बड़ा जो है वो बुक करवाया हुआ है। यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है, आप देख सकते हैं ये। और ये आसपास जो है ये सब खाने पीने वाले हैं, लेकिन हमने खाने पीने के लिए जाना है डाउनटाउन। और ये आप चेक करें, ये हम ट्रेन जो स्टेशन था अंदर से हम आए हैं बाहर, और अभी आप देखते हैं हमने बस में कहाँ से बैठना है, चेक करते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पे इस टाइम बस का वेट कर रहे हैं हम समेत। तो 3 घंटे, आधा घंटा टाइम लग जाएगा। हाँ, डेढ़ घंटा। अच्छा चलें। और ये सामने जो है ये बस, ये बस कौन सी है? ये ट्रैम है, ये सब इलेक्ट्रिक बसेज हैं यहाँ पे। ये बस आ गई है, बस भी बिल्कुल ट्रेन जैसी है, ट्रैम, सॉरी मैं बस कह रही हूँ। ये जिनेवा की स्ट्रीट्स हैं। रेस्टोरेंट में आए हैं, ये है लाहौर फूड। मैंने कहा आज देसी खाने का दिल कर रहा है, अल्लाह करे अच्छा हो। इज़ा ने सहेली बना ली है, इज़ा जिधर जाती है उधर सहेलियाँ बना लेती है। इज़ा की फ्रेंड है, इज़ा फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। ये खाना हमने ऑर्डर किया है, ये है नान, काफ़ी दिल कर रहा था नान खाने का। साथ दाल है, साथ में चिकन करी, और साथ सब्जी है, और साथ राइस है। अभी मैंने बिरयानी ली थी ऑर्डर, वो भी अभी आती है। और ये है जी बिरयानी, अभी खाएंगे तो पता लगेगा कैसी है, अल्लाह करे स्पाइसी हो बस। इधर को चलाने का कोई नहीं पता, लेकिन फिर भी बड़ी बेबे बनी हुई है। खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद जो है मैन्यू में मैंने देखा था मसाला चाय थी। मैंने फिर ऐसे से कहा, मैंने कहा कि वो मतलब जो क्या, अच्छा
तो मैंने ऐसे कहा मैंने कहा मसाला चाय इंडियन चाय ना हो तो वो अंदर जो है वो तो पाकिस्तानी है, तो आप उनसे कहें पाकिस्तानी चाय बना के दें। मैंने कहा उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कह दें पाकिस्तानी चाय। तो ये उन्होंने हमें फिर बना के दिए चाय। ये देखिए इतने मज़े की चाय है, अभी देख के इतने मज़े की लग रही है। खाना बहुत मज़े का था, और उसके अलावा जो चाय थी ना आज, मेरे ख्याल से मैंने 26 अप्रैल के बाद जो है आज चाय पी है, मेरे ख्याल से क्या वाकई में मैंने आज चाय पी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय, बहुत मज़े की चाय थी। खाना बताना कितना सस्ता था, और खाना इतना सस्ता था कि बस बात ही ना करें। खाना जो है वो कैनेडियन तकरीबन $80 का हमने एक थाली लिया, मैंने आपको जो दिखाया था, और एक हमने बिरयानी ली थी, और हमारा तकरीबन $85 कैनेडियन जो है वो हमारे $85 बने। और यहाँ पे कितने हैं वो, यहाँ पे क्या करेंसी है? 56 फ्रैंक। यहाँ पे जो करेंसी है वो फ्रैंक है, तो यहाँ के जो है वो 56 फ्रैंक है, और कैनेडियन जो है वो $80। और पाकिस्तानी कितने हुए? पाकिस्तानी 18,000 तकरीबन हमारा जो है बिल बना, और सिर्फ हमने एक प्लेट बिरयानी के लिए और एक हमने थाली दी है। तो जो लोग कहते हैं ना कि स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोप बहुत सस्ता है, वहाँ पे तो बिल्कुल सस्ता है, वो बहुत ही गलत है। बस में बैठ गए हैं, और अभी हमने जाना है दोबारा से हम एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से हमने अपना बैग जो है वो स्टोर करवाया था वो हमने वहाँ से लेना है, फिर एयरपोर्ट से ही हमने अगली ट्रेन में बैठना है और हम अपने होटल में जाएंगे। और वो कहाँ पे जाएंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हम किस जगह पे हैं। अभी फ़िलहाल अभी हम जिनेवा इसमें इधर हैं। स्टॉप पे आ गए हैं, और अभी हम यहाँ से जाते हैं एयरपोर्ट। अभी यहाँ से एयरपोर्ट जाना है ना? अच्छा, अभी हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा हमने कहा यहाँ पे ज़रा बस में जाके यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा स्टे करते हैं, मींस के यहाँ पे थोड़ा सी फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी कर लें, और क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आएगा, और उसके बाद हम जो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं उनके सामने भी इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि ये यहाँ की खूबसूरती है। एक तो यहाँ पे अभी हम दूसरी जगह पे तो गए नहीं है जहाँ पे ग्रीनरी है, अभी फ़िलहाल हम इस जगह पे हैं। अभी यहाँ पे तो हमें यही नज़र आ रहा है पानी और इस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह, क्योंकि डाउन टाउन है, तो अभी हम इनको ज़रा करते हैं एक्सप्लोर। और इज़ा को पहले मैंने कहा इज़ा को उतार देती हूँ, इज़ा का दिल है वो कबूतर है क्या ये, इज़ा का दिल है मैं उनके साथ खेलूं, और इज़ा जब उनके पास जाती है तो वो भाग जाते हैं। ये देखें इज़ा का बहुत दिल कर रहा है इनको पकड़ने का, और वो इज़ा से भाग रहे हैं। और ये मेरा लावारिस सा बैग जो है ये देखें ज़रा, ये सिर्फ बैग पलट करने के लिए आया है, मुझे बैग लेने का बहुत शौक है लेकिन उठाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, इस वजह से मेरा लावारिस बैग जो है उसको मैंने हैंड कैरी में साथ लटकाया हुआ है। वो सामने देखे फाउंटेन तो मज़े का लग रहा है, ये देखें, लेकिन हम वहाँ पे जा सकते हैं ऐसा, हम यहाँ पे जा सकते हैं, वो उधर सामने टाइम है हमारे पास। और पहाड़ों का पीछे से व्यू देखें और बादल देखें साथ ज़रा। इज़ा मज़ा आ रहा है? इज़ा को अच्छा लग रहा है? यस यस नो। यहाँ पे आप रश देखें कितने, अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ और यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है लोग। अब ये कुछ यहाँ के भी होंगे, कुछ ज़्यादातर टूरिज्म वाले यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमारी यहाँ से ट्रेन आती है तो हम ट्रेन में बैठ के, ट्रेन है या ट्रेन है? अब ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन है, दूसरी क्या? एक ट्रैम है, ट्रैम मैं जो है ट्रैम को ट्रेन बोल देती हूँ, ट्रैम वो है जो हम सिटी बस जैसे कहते हैं ना, उस बस को यहाँ पे ट्रैम कहते हैं। सिटी बस नहीं है वो, ट्रैम है।
मतलब समझाने के लिए कह रही ना, समझाने के लिए भी है ना, बस नहीं है। अच्छा वो ट्रेन है, सिटी ट्रेन, सिटी ट्रेन है वो, सिटी ट्रेन को ट्रेन बोलते हैं। हाँ सिटी ट्रेन को जो है ना वो ट्रेन बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जो बड़ी वाली ट्रेन होती है उसमें, तो यहाँ से हम बैठ के हमने जाना है अपने होटल पे। हमने यहाँ थोड़ा सा घूम लिया है और खाना भी यहीं पे खाया है, तो बाकी अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे। और हमारी ट्रेन आई थिंक आ गई है, वो आ रही है हमारी ट्रेन, उस साइड से आएगी, इस साइड से वो आ रही है उस साइड से, तो लेकिन वो साइड पे है। तो अभी हम वेट करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि जो अभी हम सिटी में जितना भी हम बस में बैठे हैं और अभी भी हम जो ट्रेन में बैठेंगे या ट्रेन में बैठे हैं वो सब यहाँ पे फ्री है। तो हमने वहाँ नहीं है, क्यों खुद ही आपने कहा था सिटी वाला फ्री है, मतलब अगर आपने यहाँ होटल बुक कराया तो आपको एक सिटी की तरह से फ्री मिलता है। अच्छा तो वही कह रही ना, टैक्स दे रहे हैं सिटी का, अगर आप यहाँ होटल बुक नहीं कराया रात के लिए। अच्छा तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा तो अगर हमने यहाँ पे होटल बुक करवाया है तो आपके लिए सिटी में जितना भी टूर है, ये जो बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस सॉरी कह रही हूँ ट्रेन और ट्रेन, ये सब फ्री है। अगर आप होटल बुक नहीं करवाएंगे तो फिर कुछ भी फ्री नहीं है। चलिए हम वेट करते हैं ट्रेन का। तो ये हमारी ट्रेन आ गई है, ये लॉकर बने हुए एयरपोर्ट पे, तो हमने अपना बड़ा बैग लॉकर में रख दिया था। ये मैं स्कैन करता हूँ उसको, ये खुल गया और ये बैग पड़े हैं। ये देखें जरा, इतना ने यहाँ पे भी सहेली बना ली है। अभी ऐसा ने ये ड्यूटी भी देनी है क्योंकि इतना ने फ्रेंड बना ली, और इतना की फ्रेंड ने आके कहा है कि अब आप इसमें हवा भर के दें। ओ वाओ इजा, इजा को घंटे बाद आया याद, वाओ कहना। हम ट्रेन में बैठ गए हैं और येजा के लिए यहाँ से एयरपोर्ट से हमने खोले, इसको जरा इसको खोल दें। येजा के लिए क्या लिए, डोनट है, डोनट लिए, और ये हमें डोनट और एक पानी की बोतल जो है $10 की मिली है, और ये बहुत यहाँ पे महंगाई है भाई। येजा के लिए हम डोनट लेके आए हैं क्योंकि येजा को भूख लगी हुई थी, और वो जो दूध है वो हमें लाहौर फूड वालों ने फ्री में दे दिया था क्योंकि वो कहते हैं बेबी है, तो हम आपको हम इसके मिलेंगे पेमेंट। What's your name? What? What's your name? My name is Priyasha Day. Priyasha? Yes. Wow, that's so nice. And where do you live? Switzerland. Switzerland? Wow. अभी हम यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर आए हैं यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए। एक तो यहाँ से बोतल लेनी है पानी की, और उसके अलावा इज़ा का दूध लेना है। रश यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। ग्रोसरी शॉप से यहाँ से हमने ले लिए कुछ एग्स लिए हैं, इज़ा के लिए मिल्क लिया और पानी लिया है, और स्ट्रॉबेरीज ली हैं इज़ा के लिए क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में जो है वो स्ट्रॉबेरीज खाती है और दूध पीती है। तो ऐसे जो है वो अभी अंदर बिल करवा रहे हैं, तो ऐसे ना आते हैं, मैं बाहर वेट कर रही हूँ क्योंकि अंदर काफ़ी रश था, तो इस वजह से मैं जो है वो बैग और स्ट्रॉलर ले कर बाहर आ गई हूँ।
और इज़ा सो रही है, तो अब ऐसा आते हैं तो फिर हम आगे यहाँ से बस लेनी पड़ेगी या ट्रेन लेनी पड़ेगी, फिर हमने जाना आगे होटल में। ये अभी हम यहाँ से अब अगली लेंगे ट्रेन। अच्छा तो ये हम लोकल ट्रेन में बैठ गए हैं और अब यहाँ स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है कि इस स्टेशन पे ये ट्रेनें खड़ी हुई हैं और इन्होंने इतने बजे निकलना है। तो ये जहाँ पे जाना वो है या ये वो लोकेशन था, तो ये सारी लिखी हुई है। ट्रेन S4 जो है वो स्टॉप पे उधर जाएगी इस टाइम पे। तो ये सब ट्रेन के नंबर हैं और ये जहाँ जहाँ पे इन्होंने जाना है वो है, और ये टाइमिंग साथ लिखी हुई है, और वो साथ क्या है किस, और वो अच्छा अच्छा ओके ओके। और ये जो ग्रीन आपको नजर आ रही है इमरजेंसी के लिए, अगर कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो वो प्रेस करना होता है। और ये वाला जो बटन है ये हम जब आएगा हमारा स्टॉप तो हमने वहाँ पे इसको प्रेस करना है तो दरवाज़ा खुल जाएगा। और जो सबसे नीचे है वो व्हील चेयर वालों के लिए है कि व्हील चेयर वाले जो हैं वो नीचे वाले बटन को प्रेस करें। तो तकरीबन रात के 10-11 बजे हम अपने होटल में पहुँच गए हैं और ये सामने आपको वाइट सा नज़र आ रहा है कुक होटल है हमारा जहाँ पर हमने स्टे किया था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।